जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो हेमंत पर। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो नए लोग आज के वेबिनार में आए हैं, या जो लोग आज पहली बार हमारे वेबिनार में आए हैं, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वेबिनार का टॉपिक जो है वो एनिमल टोटम के ऊपर रखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमंस के पास अपनी एक एनर्जी होती है, उसी तरह पर्टिकुलर एनिमल के पास भी अपनी एक एनर्जी, एक ऑरा या उनकी अपनी एक क्वालिटी होती है, और इन्हीं एनर्जीज को हम एनिमल टोटम में स्टडी करेंगे। आज के वेबिनार में हमारे साथ मिसेस मीनाक्षी भाटिया मैम उपस्थित हैं। मीनाक्षी मैम न्यूमोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, कैंडल स्पेल कास्टर और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऑक्टल विद्याओं का ज्ञान रखती हैं। तो मैम का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे, जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच कमल सर जी, मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ मैम, तो सभी लोग एक बार मैम को राधे राधे या जय श्री श्याम कर सकते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके। राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम, राधे जय राधे। श्री जय श्री राम। जय राम। जय श्री श्री श्याम। राम, जय श्री जय श्री राम। श्याम। जय राधे राधे, जगन्नाथ। राधे मैम राधे। मैम, जय जगन्नाथ जी। जय मैम, गुरु कहाँ तो जी। इतने सारे फूल बीच जय नीचे जगन्नाथ लगे जी। होते थे, आज इतने सारे एनिमल्स। जी मैम, ये कोर्स के अकॉर्डिंगली, ताकि सब वो लोग फूल कनेक्ट बहुत कर पाए, है ना? पर मैम आज चलिए, आप थैंक बहुत प्यारे लग रहे हो। यू सो मच। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। चलिए, सभी को राधे मैम, मैं तो राधे। रोज ही ऐसी रहती हूँ। मैम, वो तो है, आप तो रोज ही प्यारे लगते हो। आज का मैम सेशन शुरू करते हैं। मोहिनी जी, राधे राधे। आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है सर। ओके, सो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम गणेश जी को उनको प्रे करते हैं सब मिलकर। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सब अपने कैमरास ऑन कर लें। राइट, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, और आप सब कैमरास ऑन कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और एक कनेक्टिविटी भी बनेगी। अब जो लोग मेकअप करके नहीं बैठे हैं वो कर सकते हैं कैमरा ऑफ। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ये कैमराज आप सबने ऑन कर लिए, काफी सारे लोगों ने। थैंक यू सो मच। राइट, सो गणेश जी को उनका आवाहन करते हैं। राइट, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओके, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत आभार। आप सब यहाँ पर वेबिनार अटेंड करने अपने सब काम छोड़कर बैठे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। राइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और जिसको हम समझने वाले हैं, वो है एनिमल टोटम। राइट, तो आप में से कितने लोग हैं जिनको कुछ आइडिया है कि एनिमल टोटम क्या होता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ओके, चलिए मुझे ये बता दीजिए आप सब कि आपके हिसाब से एनिमल्स को हम यूज करते हैं या एनिमल्स हमें यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए? प्लीज रेज योर हैंड्स। अरे, यहाँ पे कोई किसी कोई पिटाई नहीं होने वाली है, आप हैंड्स क्यों नहीं रेज कर रहे? जी अशीम जी, ये तो सबको पता है। राइट जी, अशीम जी अनम्यूट करें।
अश्विन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर जी दिया है सर। समटाइम्स जी जी वी यूज एनिमल्स फॉर आर यूज, बिकॉज हाँ व्हेन माय सन वाज बोर्न, सो आई वाज एडवाइज टू फीड अ ब्लैक डॉग एवरी सैटरडे एंड देन डू पूजा ऑन फॉर शिव परिवार, एंड दैट हेल्प हिम मी टू सेव हिज लाइफ एक्चुअली। यस है ना। तो अगर हम कोई किसी को फीड भी कर रहे हैं किसी एनिमल को, तो कहीं ना कहीं हम अपना बेनिफिट तो देखते हैं, है ना। हम उसको एज रेमेडी कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देखते हैं। लेकिन जब एनिमल्स हमारे लिए कुछ करते हैं तो वो अपना हमसे कोई भी बेनिफिट देखकर नहीं करते, राइट। जी विनोरमा जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज कैमरा ऑन कर ले। जी मैम, राधे राधे। जी मैम, आपका हैंड रेज है। जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं एनिमल्स मैम आपकी ना, टेक्स्ट आपकी आवाज थोड़ी सी गूंज के आ रही है, अगर आपने एयरफोन्स लगाए हैं तो प्लीज वो रिमूव कर दीजिए। ओके, कुछ नेटवर्क इशू है शायद विनोरमा जी की साइड से। चलिए ओके मैम, okay. कंटिन्यू चलिए करिए। शुरू करते हैं, राइट। अब एनिमल टोटम क्या है ये समझते हैं, ठीक है। एनिमल मींस पशु जानवर। अब ये टोटम शब्द क्या है, कहाँ से आया? पहले के जमाने में जो तांत्रिक क्रिया की जाती थी, है ना, शंबालन ट्रेडिशन में, उसे टोटम कहा जाता था, राइट। अब ये लोगों को ना, बहुत लोगों को टोटम शब्द जो है ना, ये थोड़ा सा टोटके से ऐसा मैच होता हुआ लगता है, तो लोगों को लगता है कि कहीं ये टोना टोटका तो नहीं, राइट। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह का टोना टोटका जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एनिमल्स जो है ना, वो हमारे ट्रेडिशन से बहुत समय पहले से जुड़े हैं, है ना। जैसे कि हम जिन देवी देवताओं को मानते हैं, हमने देखा है कि हर देवी देवता के साथ एक एनिमल तो जुड़ा ही है ना। फॉर एग्जाम्पल भगवान शिव, उनके गले में सर्प है, उनका जो वाहन है वो नंदी जी हैं, है ना। और जैसे कि भगवान शिव के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनका सर जो है वो हाथी का है, और उनके जो वाहन है वो मूषक राज है ना। तो जो गणेश जी के भाई हैं कार्तिकेय जी, उनका वाहन मोर है। और इनकी जो माता है, गणेश जी की और कार्तिकेय जी की जो माता है, माँ आदिशक्ति, माँ गौरी, उनका वाहन शेर है ना। और शिव परिवार की अगर हम बात करें ना, तो सबसे मजेदार बात क्या है कि इतने सारे एनिमल्स एक साथ एसोसिएटेड होकर भी, और ये सब जो एनिमल्स हैं एक दूसरे के शत्रु हैं, एक साथ होकर भी एक परिवार की तरह एक साथ रहते हैं, है ना, बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं। आपने कभी माँ सरस्वती जी को बिना हंस के देखा है? देखा किसी ने कभी? नहीं ना। हम मंदिर में भी जाते हैं तो जब हम माँ सरस्वती की मूर्ति देखते हैं या फोटो देखते हैं तो हमें हमेशा हंस के साथ मिलती है माता, है ना। ऐसा क्या है कि इन देवी देवताओं ने अलग अलग एनिमल्स को अपने साथ अपने वाहन के रूप में रखा है? सभी देवी देवता इतने पावरफुल होते हैं, पर फिर भी ऐसा ऐसी कौन सी एनर्जी जुड़ी है इन एनिमल्स के साथ जो देवी देवता इन एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं? हर एनिमल की अपनी एक विशेषता होती है ना, जिस विशेषता के कारण ये एनिमल्स देवी देवताओं से जुड़े हैं। जैसे जैसे कि अगर हम बात करें सरस्वती माता के वाहन की, यानी हंस की,
जिसको हम स्वयं भी बोलते हैं। तो माँ सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है, और उनका जो वाहन है ना वे भी बहुत ज्ञानी है। कैसे, क्या कोई बता सकता है कि हंस को ज्ञानी क्यों कहा मैंने? अगर किसी को पता है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, और उनका जो वाहन है हंस वो भी बहुत ज्ञानी है। क्यों है ज्ञानी? जी लतिका जी, कैमरा ऑन करें। एक्चुअली मैम वो ना हंस को दूध और पानी एक साथ मिलाकर देने से वो सिर्फ दूध ही पानी या दूध ही पीते हैं, वो दूसरा छोड़ देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड लतिका जी, है ना। देखो हंस, हम तो मनुष्य हैं, हमें दूध में दूध वाला आता है, पानी ऐड करके देता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमको वैसे ही पीना पड़ता है ना। तो हंस एकमात्र ऐसा जीव है कि अगर आप उसको दूध और पानी मिक्स करके दे दो ना, तो वो उसमें से सिर्फ दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है कि उसको सिर्फ दूध पीना है, उसको दूध की जरूरत है, पानी की नहीं। और आपने ये भी सुना होगा कि हंस जो है वो मोती चुगता है। आप कंकर और मोती मिक्स करके दे दो, लेकिन हंस मोती ही चुनेगा, क्योंकि वो ज्ञानी है। इसीलिए माँ सरस्वती का वाहन है वो, ठीक है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले पेड़, फूल, पत्ते, यानी नेचर किंगडम का निर्माण हुआ, राइट। सबसे पहले नेचर आया अस्तित्व में, फिर नेचर से आती हैं कुछ बैचलर रेमेडीज, राइट, जिसमें हम फ्लावर्स से बनी रेमेडीज को यूज करते हैं। बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, राइट। वो भी एक तरह की रेमेडीज होती हैं जो हम प्लांट से और फ्लावर से, फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट से बनती हैं, उनका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता, तो उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और उसके बाद आया एनिमल किंगडम, राइट, जिससे आया ये एनिमल टोटम, और फिर आया ह्यूमन किंगडम, राइट। पहले नेचर किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, और फिर आया ह्यूमन किंगडम। ह्यूमन किंगडम बाद में क्यों आया? क्योंकि हम लोग एनिमल से ही तो बने, है ना। मंकीज हमारे पूर्वज है ना, वी ऑल नो। तो हम इस धरती पर बहुत बाद में आए हैं, एनिमल्स हम सबसे पहले आ चुके थे, है ना। अब मनुष्य को भगवान ने एक एक जैसा बनाया, बिल्कुल, है ना, कि वही दो आंखें, दो कान, एक मुंह, है ना, दो टांगे, दो हाथ, सारे मनुष्य एक जैसे हैं। लेकिन भगवान ने अलग अलग प्रकार के जानवर बनाए, है ना। उनमें से कुछ मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी हैं, कुछ पालतू हैं, कुछ जंगली हैं, है ना, कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ धरती पे रहते हैं, कुछ आसमान में उड़ते हैं, है ना। तो एनिमल्स को भगवान ने अलग अलग बनाया, और जब नेचर बनाया तो भी बहुत सारे तरह तरह के पेड़, फूल, पत्ते बनाए, है ना। ऐसा क्यों? जब हमें हायर अथॉरिटी तक पहुंचना होता है ना, जैसे आपको किसी कंपनी के सीईओ तक पहुंचना है, राइट, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली सीईओ तक नहीं पहुंच सकते। सपोज आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के तक पहुंचना है ना, तो आप डायरेक्टली मोदी जी तक नहीं पहुंच सकते। उनके तक पहुंचने के लिए या किसी कंपनी के सीईओ तक पहुंचने के लिए आप
आपको बीच में कुछ चैनल्स होंगे जिनको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरह से ये जो एनिमल्स है ना, ये चैनल्स हैं हायर अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए। हायर अथॉरिटी मीन्स परमपिता, परमात्मा, ठीक है। तो एनिमल्स हमसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी तरह की एनर्जी को हमसे पहले सेंस कर लेते, किसी भी तरह की हो, भले वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, है ना। एनिमल्स हमसे पहले सेंस करते हैं। एनिमल्स जो है ना, ये ईश्वर से ज्यादा करीब होते हैं। ऐसा क्यों? क्या कोई बता सकता है कि एनिमल्स ह्यूमन से ज्यादा भगवान के करीब क्यों होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ, ठीक है। देखिए ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर में जेलस है, एंगर है, कंपटीशन है, हेट्रेड है ना, ये सब सब फीलिंग्स है। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसे ही नेगेटिव इमोशंस नहीं होते, इसीलिए एनिमल्स ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। जैसे हम अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए एंजल्स को इन्वोक करते हैं, एंजल्स को भी देवदूत कहा जाता है, उसी तरह से एनिमल्स भी बहुत प्योर होते हैं, राइट। इसलिए ईश्वर के करीब होते हैं, क्योंकि ईश्वर के करीब तो वही जाता है, जा पाता है जो भोला होता है ना। और हमारे जैसे स्मार्ट लोग क्या हैं, हम लोग रेमिडीज करते हैं, हम लोग 100 तरीके की चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी एनिमल भगवान से जल्दी पहुंच जाते हैं हमसे, क्योंकि वो प्योर होते हैं, राइट। इसी कारण जो ना एनिमल टोटम में हम डिफरेंट एनिमल्स को इन्वोक करते हैं अपनी इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए। मतलब एनिमल्स क्या है ना, एक चैनल है ईश्वर तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। हम एनिमल्स की एनर्जी को यूज करते हैं। जब हमें अपना कोई मैसेज ईश्वर तक पहुंचाना है, तो हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम मतलब डायरेक्टली जाके बोलें कि भगवान जी ऐसा ऐसा कर दो, है। आपने देखा होगा कि मंदिर में जब हम जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, तो हम नंदी के कान में बोलते हैं, सामने प्रभु बैठे हैं, लेकिन हम प्रभु को डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि उनका मैसेज नंदी जी के थ्रू होकर ही जाएगा। माता रानी के मंदिर जाते हैं तो माता रानी के शेर के कान में कुछ भी कहकर आते हैं, है ना। तो क्योंकि हम एनिमल्स को इन्वोक इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर के बहुत पास होते हैं वो, ठीक है। और जिस कारण क्या है ना, एनिमल टोटम में जब हम एनिमल्स को इन्वोक करके अपना कुछ अपनी विशेष फुलफिल कराना चाहते हैं, अपना कोई भी टास्क हमारा नहीं हो रहा है, तो जब हम एनिमल्स की हेल्प लेते हैं तो हमें रिजल्ट्स तुरंत मिलते हैं, राइट। देखिए ह्यूमन अपनी सारी जिंदगी ना सेव करता रहता है, चीजों को स्टोर करता रहता है, अक्यूमुलेट करता रहता है ना। जिस कारण क्या है ना कि हमारे हम लोगों में ना कहीं एक वो छल करने की वो आई जाती है ना। कहीं ना कहीं हम छल करते हैं, तभी तो हम लोग स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, अक्यूमुलेट कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी अभी तो कलयुग है, सीधा सीधा चल के तो ये सब नहीं कर सकते, है ना। लेकिन एनिमल्स जो है ना, वो कभी भी कुछ भी स्टोर नहीं करते, वो कुछ भी अक्यूमुलेट करने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए एनिमल्स निश्चल होते हैं, राइट। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा कहूं कि एनिमल्स हमें सिर्फ देते ही हैं, तो शायद मैं गलत नहीं हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हनी बी से हमें हनी मिलता है, लेकिन हम लोग मतलब हम लोग हनी को क्या दे रहे हैं, हनी बी को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम तो हनी बी से ले रहे हैं, काउस, बफेलोस, गोट हमें मिल्क दे रही है ना। हम उनको क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं।
शी हमें वूल दे रही है ना। तो इनफैक्ट एनिमल्स ना हमें देते ही हैं, बेसिकली दे आर गिवर्स एंड वी आर द टेकर्स, है ना। तो जब हम एंजल्स को या किसी भी देवी देवता को इन्वोक करते हैं तो हमें उनको पे बैक करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम अपनी विशेष को फुलफिल करने के लिए उनको एक बंधन में बांधते हैं, उसके लिए हमें उनको पे बैक करना पड़ता है। लेकिन एकमात्र एनिमल्स की एनर्जी ऐसी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पे हमें पे बैक नहीं करना पड़ता, क्योंकि एनिमल्स हमसे कुछ नहीं मांगते, है ना। मतलब हनी बी की कितनी एनर्जी लगती है, वो बेचारी अपने घर से उड़कर जाती है, फ्लावर का एक्सट्रैक्ट लाती है, फिर वहां पर हनी बनाती है, कितनी मेहनत कर रही है, कितनी एनर्जी जा रही है उसकी, और हम 1 सेकेंड में हनी लेकर आ जाते हैं, हम कुछ भी पे बैक नहीं करते। तो एनिमल टोटम में भी जब हम एनिमल्स की एनर्जी को यूज करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, तो हम उनको कुछ भी पे बैक नहीं करते, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो पर्टिकुलर रेमेडीज नहीं कर पाते, जैसे पानी में कुछ बहाना है, या शिवलिंग पे जल दे दो, या मंदिर में ये चढ़ा दो, या कोई फलाना जेम पहन लो, स्पेशली जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, जो फॉरेन के लोग होते हैं, है ना, उनको अगर आप जैसे कि मतलब हम सब जो हैं ऑकल्ट में है ना, तो लोग हमारे पास कंसल्टेशन लेने भी आते हैं, तो वो हमसे कोई रेमेडी अगर मांगते हैं, तो ऐसी कोई भी रेमेडी अगर हम उनको देते हैं तो वो हमसे क्या कहेंगे, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। वहां पर ये सब करना पॉसिबल नहीं है। वहां पर अगर हम कहते हैं कि पानी में कुछ बहा कर आ जाओ, वहां पे पेनल्टी लग जाती है पानी गंदा करने के लिए, है ना। तो उस केस में बेस्ट है कि आप उन क्लाइंट्स को, उन लोगों को जो ये रेमेडीज नहीं कर पाते हैं, उनको आप एनिमल टोटम से रेमेडीज दे सकते हैं, ठीक है। एनिमल टोटम विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। करना कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम को देखकर उसके अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर एनिमल की या तो आप उनको चैंटिंग के लिए बोल सकते हैं, पानी में चैंट करके आप उनको पिला सकते हैं, एनर्जी सर्कल्स बनाते हैं हम, उसका यूज कर सकते हैं, अपने फोन पे वॉलपेपर लगाकर भी उनकी एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं। वॉलपेपर नहीं लगा सकते तो जो फोन का बैक कवर है उसमें उनकी फोटो रख के यूज कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने रूम में उनकी फोटो लगा सकते हैं। देर आर सो मेनी वेज जहां पे आप एनिमल्स की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। तो एनिमल्स जो है ना, ये हमारी सारी नेगेटिविटी ले लेते हैं। आपने सुना होगा कि जिनके घर में पेट्स होते हैं, तो ऑल ऑफ सडन अगर आपके घर में कोई डेथ बेड पे हो, बहुत बीमार हो, तो ऑल ऑफ सडन जो आपका पेट है ना, उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एनिमल उस प्रॉब्लम को जो आपके फैमिली मेंबर पे आया है वो अपने ऊपर ले लेता है, राइट। तो जो एनिमल्स है ना, वो हमारी नेगेटिविटी ले लेते हैं। और इंसान इतना मतलब ही जीव है कि वो एनिमल्स से कुछ, एनिमल को कुछ भी देता नहीं है, हर केस में एनिमल से ले ही रहा है। जैसे कुछ लोग जो हैं, ये तो सबको पता होगा कि जो सांप है, सांप की जो स्किन निकलती है वो लोग अपने पास रखते हैं, ये तो सबको पता होगा। प्लीज रेज योर हैंड्स, वर्चुअल वर्चुअल हैंड। जी जी आईफोन जी, यस मैम, मेरे अपने प्लॉट में दो सांप ने अपनी एक्चुअली पूरी स्किन छोड़ी थी प्रॉपर। तो मैंने कितना टाइम अपने घर में रखा उसको राउंड बना के ड्राइंग रूम में, एंड देन पता नहीं फिर किसी ने बोला नहीं रखनी चाहिए, इसको दबा दो, तो मैंने दबा दी। अब मैं पछताती हूँ मैंने जैसे क्यों दबाई। क्यों पछताते हो वो बताओ, क्यों पछताते हो? इसीलिए कि
पता नहीं मैंने किसी किसी की बात में क्यों आ गई, मुझे अच्छा फील हो रहा होगा उस टाइम, इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक नाउ। जी पूरे पूरा उनका फेस से लेके टेल तक था, जी बहुत लंबा। जी बिल्कुल। देखिए हम जब कपड़े पहनते हैं ना, ह्यूमन जब कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े जब हम उतारते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि अपने पहने हुए कपड़े किसी को देने नहीं चाहिए, है ना? या अगर देने भी है तो सॉल्ट वाटर में डिप करके फिर उसको सुखा के प्रॉपर फिर दो, है ना? क्यों? क्योंकि उन कपड़ों में हमारी एनर्जी होती है। इसी तरह से जो सांप की जो स्किन है ना, जब वो निकालता है ना, उसमें सांप की एनर्जी होती है। ठीक है जी, लतिका जी कैमरा ऑन करें। मैम आप म्यूट म्यूट हैं, अनम्यूट करें मैम। लतिका जी आप अनम्यूट हाँ कीजिए। जी, हाँ जी जी मैम सर, अभी जी बोलिए। सर, हाँ 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 मैम, हम लोगों का इधर बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि सांप का कपड़ा मतलब रैंडम भी मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। आप म्यूट हो गए मैम, आप म्यूट हो गए। अच्छा ठीक है, अभी हाँ जी सुनाई दे रहे? हाँ हाँ जी हाँ मैम, जी हम लोगों का इधर ना बहुत सारे और रैंडमली मिलते हैं सांप का वो खोलस बोलते हैं हम लोग, वो जो छोड़ देते हैं स्किन सीन स्किन को, तो हम लोग ना वो की रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का पास बहुत सारे ये मिलते हैं, रैंडमली जी मिलते हैं बहुत सारे, इधर मिलते हैं वेस्ट बंगाल मैम में, रखना वेस्ट चाहिए, बंगाल से मैं हूँ जी, मैम और रखना रखना चाहिए, चाहिए रखना क्या? जी अच्छा जी मैम, रखना चाहिए जी। मैम बोले लॉकर में रखना चाहिए या कहाँ पे जी, रखना है? लॉकर में रखें आप, कहीं भी रखें, लेकिन उसको संभाल कर रखें, मतलब ऐसे ही कहीं ना रखें, संभाल कर रखें। और पॉइजनस भी, हाँ पॉइजनस भी है ना वो। हाँ और इसी अच्छा तरह से ना, जैसे बोलते हैं कि बिल्ली जब उनके बच्चे होते हैं कैट्स के, तो उनकी जेर को संभाल के रखा जाता है। ये कितनी हायर एनर्जी है जी। एनिमल्स जो है ना, हमारी सारी नेगेटिविटी लेकर हमें पॉजिटिविटी देते हैं, राइट? सो एक सेकेंड, जैसे आपने कुछ ब्रांड्स देखे होंगे जहां पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एनिमल्स की एनर्जी को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, राइट? वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जी स्क्रीन विजिबल है? हैंड्स अप कर दें अगर स्क्रीन विजिबल है। जी मैम, विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। ओके सो ये है एक ब्रांड जिनका लोगो क्रोकोडाइल है, लकोस्टे, राइट? रेडबुल, इसमें बुल्स हैं, पूमा तो सबको पता ही है ना, जैगुआर, फेविकॉल का मजबूत जोड़, है ना? ऐसा क्यों है कि ये जितने ब्रांड्स है ना, यहाँ पे सब आप देखेंगे कि एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, उसका रीजन है, राइट? ये सभी ब्रांड्स ना एनिमल्स की एनर्जी को यूज करते हैं। कॉन्टिनेंटल हॉर्स, राइट? ये तो सबको पता है। नेस्ले, है ना? किस किसने खाई है नेस्ले चॉकलेट? ओके, एनिमल प्लैनेट, राइट? क्रॉक्स, प्लेबॉय, ट्विटर, राइट? अब ट्विटर
कुछ और भी यूज कर सकते थे, कितने बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनका फेस भी लगा सकते थे, लेकिन एक बर्ड क्यों, है ना? ये किस ब्रांड के लिए यूज होता है, कोई बता सकता है? ये लोगो किसका है? जी आईफोन जी। फरारी 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 मैम, फरारी। है ना? यस यस सो फरारी इतना बड़ा ब्रांड है, सोचा जाए तो एनिमल क्यों, है ना? लोगों के लिए एनिमल ही क्यों, राइट? फायरफॉक्स, एनबीसी, पिकॉक, राइट? सो ये प्रूफ है कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब एनिमल्स की एनर्जी को यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ, राइट? अब कुछ एनिमल्स की बात करते हैं, राइट? जैसे एक एनिमल है एंट। क्या कोई मुझे बता सकता है कि न्यूमरोलॉजिकली, अगर जिनको पता है न्यूमरोलॉजी का, एंट कौन से नंबर से जुड़ा है? चींटी, वैसे ये न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं, अगर उन्हें पता हो तो कोई बता सकता है कि चींटी, एंट? जी, दीपक जी कैमरा ऑन करें। जी भारती जी ने आंसर कर दिया है, दीपक जी से भी पूछ लेते हैं। अनम्यूट करें सर, कैमरा ऑन कर लीजिए सर। मैम, वो नहीं कर रहे अनम्यूट। ओके चलिए, एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा जी, सा क्लास के बारे में आप बता दीजिए तो मैं थोड़ा बैनर या पोस्टर शेयर कर देता हूँ सभी को। प्लीज शेयर कर दीजिए। जी, भारती जी ने आंसर किया है नंबर 8। मैम स्क्रीन विजिबल है जी बिल्कुल सर, विजिबल है स्क्रीन। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी क्लास है वो 5 डेज की रहेगी, और ये जो क्लास है कल से यानी कि 22 अगस्त से 5:30 बजे, 5:30 PM शाम को ये स्टार्ट हो रही है। इसकी जो वैल्यू रखी गई है वो 1211 यानी कि 1211 रुपये रखी गई है। इस क्लास में आप अगर अनरोल करवाते हैं तो आपको इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, ई सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, इसके अलावा आपको एक ऐप भी दिया जाएगा जिसमें आप इन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें जुड़ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। 8209677799। आप लोग चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी एक पोस्टर मैं और शेयर कर देता हूँ। जी सर, आप सभी को अपनी स्क्रीन पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल दिखाई दे रही होगी। आप हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं या QR कोड को स्कैन करके भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, 8527127419। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो हेमंत पे जाकर विजिट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर भी आप या फेसबुक पर भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम। जी जी भारती जी ने आंसर दिया है नंबर 8, और दीपक जी ने चैट में लिखा है शनि। दोनों ही सही है, ठीक है जी। आईफोन जी आपका हैंड रेज है, बताएं। हाँ मैम, मैंने पूछना था कि आप कोई एक एग्जाम्पल हमें बता सकते हैं कि जैसे कोई एक छोटा सा, जैसे मान लो पूछो शेर की आपकी है, ठीक है,
शेयर की एनर्जी, इसका कैसे हम यूज करेंगे एक बताओ, क्योंकि मैं तो कल एनरोल करूंगी ही करूंगी, डेफिनेटली अभी कर लूंगी मतलब, और थोड़ा हमें पता लग जाए कि कैसे क्या क्या इसमें यूज होता है थोड़ा सा बस। मैम उसी पे आ रही हूँ मैं। अच्छा, थैंक यू। वेलकम मैम। ओके सो जैसे आईफोन मैम जी, आप, मैं बार बार आपको आईफोन ही बोल रही हूँ, पहले मुझे अपना नाम बता दीजिए। नाम बताइए। मेरा नाम अमरजीत सालवान, अमरजीत कौर। अमरजीत। ओके मैं भी ठीक। ओके सो जी भारती जी बताएं आप। नमस्ते मैम। मैम एक नमस्ते। क्वेश्चन था, नमस्ते जैसे जी। बिल्ली है तो बिल्ली, मैंने जो सुना था कि वो राहु से रिलेटेड है, राइट? जी तो बिल्कुल अगर जी बिल्कुल। हम उसको फीड करते हैं तो राहु स्ट्रांग हो जाएगा, राहु शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा? क्योंकि मेरे को बोला था किसने कि राहु राहु की चीजें आप जैसे रख रहे हो, उसको स्ट्रांग कर रहे हो, तो उसके साथ जो प्लेनेट बैठा है वो पीड़ित हो जाएगा, तो उसको स्ट्रांग मत करो। तो आई वो वॉज डिपेंड कंफ्यूज। करता है मैम, वो डिपेंड करता है कि राहु कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है। अच्छा, तो अगर हम बिल्कुल ऐसे ही पेट्स रख रहे हैं तो वो भी दिखा के रखना चाहिए, और उसको नहीं, पेट्स को फीड करना, देखिए आप कोई भी काम करते हो ना, उसके पीछे आपका इंटेंशन मैटर करता है। आप अगर किसी डॉग को फीड करवा रहे हो अपनी किसी पर्टिकुलर विश को पूरा करने के लिए, तो आपकी वैसी ही विश पूरी होगी। लेकिन अगर आप डॉग को अपने पास एज पेट पालते हो, तो वो आपका फैमिली मेंबर जैसा है, राइट? लेकिन ये है कि डॉग्स जो है ना बहुत लॉयल होते हैं, तो वो इन रिटर्न आपको वापस ही करेगा, क्योंकि एनिमल्स हमसे कुछ लेते नहीं है, हमें देते ही हैं। लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन नेचर है, जो हम लोग हमेशा ना मतलब दूसरों से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जब एनिमल्स को फीड भी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी इंटेंशन किसी ना किसी अपनी विश को फुलफिल करवाने की होती ही है ना? अच्छा, तो कोई वैसे भी कोई पेट रख रहे हैं तो वैसे वो पॉजिटिव ही होएगा, लाइक रादर देन वैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भी फीड कर रहे हैं तो घर पे या वैसे। ओके, थैंक यू मैम। बिल्कुल। ओके सो मैं बात कर रही थी एंट के बारे में, ठीक है? एंट की एनर्जी हम एनिमल टोटम में इन्वोक करते हैं। जैसे कि अभी मैंने पूछा कि नंबर 8 है ना, नंबर 8 की एनर्जी क्या है, कि शनि क्या है, कर्म के देवता, कर्मदाता, है ना? तो आपने चींटियों को देखा होगा कि चींटियां जो है ना, वो पूरी दुनिया, इतने बड़े संसार में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। वो हर पल हर समय ना अपने एक निरंतर रूप से अपने काम में लगी हुई, किसी भी चीज की परवाह किए बिना, ठीक है? जब भी हमें आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, अपने अंदर जो हमारा एक सेल्फ वो है ना अवेयरनेस, उसको जगाने की जरूरत होती है, तब हम एंट को इन्वोक करते हैं। आपने देखा होगा कि एंट जो है वो चट्टान में भी जगह बना लेती है, तो जब कुछ लाइफ में बहुत सॉलिड करना हो ना, तो उस समय भी हम चैंट करते हैं या इन्वोक करते हैं एंट की एनर्जी को, राइट? जब भी जीवन में हमें डिसिप्लिन की जरूरत हो, राइट? डिसिप्लिन मींस कि हम कुछ अनुशासित नहीं हो पा रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। डिसिप्लिन किसी भी चीज का हो सकता है। आपने आज सोचा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है शुरू, कुछ दिन करके तो फिर आपने छोड़ दी, है ना? फिर कुछ दिन बाद याद आया कि अरे हमने तो सोचा था कि हम शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्लिम होंगे, है ना, फिट होंगे, तो हम फॉलो तो नहीं कर पाए। तो वहां पे किस चीज में लैक कर रहे हैं हम? डिसिप्लिन में। तो जब डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो वहां पर भी एंट की एनर्जी का यूज किया जाता है। जब भी व्यक्ति सही तरीके से सोच समझ कर कोई काम करना चाहता है, फोकस होना चाहता है किसी गोल की तरफ, वहां पर भी एंट की एनर्जी का यूज किया जाता है, राइट? जब किसी ग्रुप में काम करना है, जहां पे हमें टीम वर्क की जरूरत है,
आपने देखा होगा कि चींटियां हमेशा ना टीम में करती हैं जो भी करती हैं, है ना। एक लाइन जा रही होती है, उसके साथ साथ आ भी रही होती है, और हर चींटी एक दूसरे को कुछ कुछ बोल के जा रही होती है। पता नहीं उनकी भाषा है वो क्या कहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से मिलकर जाती है, लेकिन वो लाइन में चलती है और पूरी टीम मिलकर करती है जो भी करती है। तो जब भी हमें टीम वर्क में कुछ करना है और आपकी टीम बिखर गई है ना, वो टीम जरूरी नहीं है कि आप कुछ स्पोर्ट्स में कुछ करने जा रहे हैं तो तभी ऐसा कुछ होगा। आपके घर में फैमिली फंक्शन है, राइट। फैमिली फंक्शन में ना एक आमतौर पर ये ज्यादातर लोगों के घर पे होता है कि फैमिली में ना सब नाराज हो जाते हैं एंड मौके पे, जब कुछ मेजर करना होता है ना, जीजा जी वहां चले जाते हैं, फूफा जी यहाँ चले जाती हैं, मौसी वहां चली जाती हैं, और जिनके घर में फंक्शन है वो बेचारे कंफ्यूज सेंटर में खड़े हैं, इनको मनाएं इनको मनाएं, किसको मनाएं क्या करें। तो वहां क्या चाहिए? ऑब्वियसली ग्रुपिज्म चाहिए, टीम वर्क चाहिए, है ना। उस केस में भी आप एंट की एनर्जी का यूज कर सकते हो, राइट। जी, एंट की एनर्जी को इन्वोक कैसे करेंगे? जब भी हमें एंट की एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो हम एंट की एनर्जी इन्वोक करने का एक तरीका है कि एंट मैजिक बिगिन नाउ। क्या बोलेंगे? एंट मैजिक बिगिन नाउ। इसको आप 11 टाइम्स बोलेंगे अपनी इंटेंशन देकर, और आपका काम तुरंत बनता हुआ आपको दिखेगा। जी देवेंद्र जी, आपका हैंड रेज है, कैमरा ऑन कर लें सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये आप जानवरों वाली कोई भी थेरेपी करते हैं, कोई भी टोटम लगाते हैं, तो हमें पहले एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, जैसे राहु की कर दी, राहु तुम स्ट्रोंग नहीं, हो गया तो बिल्कुल भी उससे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्यों नहीं आनी चाहिए? उसका रीजन ये है कि देखो, हमारी छोटी छोटी विशेज हैं, ठीक है, जो हम पूरी करना चाहते हैं, तो उस केस में हम इन एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, एनिमल्स के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। बड़ी बात यह है कि इनको इन्वोक करने से बैकफायर नहीं होता, राइट। तो आप जब चाहें एनिमल्स को इन्वोक कर सकते हैं। जी प्रथमेश जी, आपका हैंड रेज है। जी मैम। हेलो, जी जी मैम। क्या मैम, मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, मुझे कुछ पता ही नहीं कि आपने क्या सिखाया था। मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कब ज्वाइन किया आपने? मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी किया? पंद्रह पंद्रह ओके, मिनट लेट का 10 मिनट 5 मिनट का। कमर, लेट कमर हैं आप। आप यूट्यूब पर वेबिनार पूरा अवेलेबल है, वहां पे आराम से सुनिएगा, अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। ओके, सो अगला जो एनिमल है वो है क्रो, कौवा, ठीक है। कौवे की चोंच किस किसने खाई है? खाई है किसी ने कभी? भारती जी बताइए। मैंने खाई है बचपन में। ओके ठीक है। अच्छा चलिए, जो क्रो से जुड़ी हुई ना एक कहानी तो हम सबने सुनी है, कौन सी वाली? कौन बताएगा क्रो से जुड़ी हुई कौन सी कहानी है जो हमने सुनी है? जी अमरजीत जी। वही मटके वाली, पानी डाल के जो थर्स्टी क्रो, प्यासा पानी प्यासा कौआ। कौआ। यस यस हाँ, यस आज सुबह ही मैंने, कोइंसिडेंटली आज सुबह ही मैंने एक विद्या बालन जी की रील्स देखी है, तो वो कह रही थी कि मैं कई सालों बाद अपने बच्चे को ये पढ़ाने लगी, तो कई सालों बाद पुरानी बचपन की बुक्स पढ़ी, तो कौआ तो आज भी प्यासा ही है।
है ना, तो कौवा मुझे लगता है जन्मों जन्मों तक प्यासा ही रहने वाला है। ठीक है, तो जो प्यासा कौवा था उसने पानी कैसे पिया? चतुराई से, है ना, उसने कंकर उठाए और बर्तन में डाले और पानी ऊपर आ गया और उसने पी लिया। तो मतलब इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस की जरूरत जब हमें चाहिए हो तो हम किसको इन्वोक करेंगे? क्रो की एनर्जी को, राइट? जब हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए, जब हम कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ना दो तीन ऑप्शंस होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर नहीं हो पाते, तो वहां पर हम क्रो की एनर्जी का यूज करते हैं, राइट? जब जब कोई नई दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो वहां के नए माहौल में एडजस्ट होने के लिए भी क्रो की एनर्जी का यूज किया जाता है। ठीक है, जब एक लड़की शादी करके गई है और वहां वो मतलब उनका बिल्कुल अलग एटमोसफेयर है और लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो उस समय अगर वो क्रो की एनर्जी को इन्वोक करती है तो उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगती है। ठीक है, जब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो लोग जुड़े हैं उनके चेहरों से नकाब उतर कर उनका जो असली चेहरा है वो आपके सामने आए, मतलब कि आपको पता चले कि सामने वाला आपको लेकर लॉयल है या नहीं, उस केस में भी आप क्रो के एनर्जी का यूज कर सकते हो, राइट? जब आप चाहते हो कि सामने वाला, आप किसी रिलेशन में हो किसी के साथ, तो सामने वाला आप से किया हुआ प्रॉमिस निभाए, अपनी कमिटमेंट निभाए, तो वहां पर भी आप क्रो की एनर्जी का यूज करते हो। जब आपको ये जानना है कि आप जिस पार्टनर के साथ हो वो पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है, वहां पर भी आप क्रो की एनर्जी का यूज करते हो। जब बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, ये आजकल बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि बच्चे बात नहीं सुनते, है ना, तो एम आई ऑडिबल? बिल्कुल मैम, आपकी आवाज आ ओके रही है। ओके, सबकी स्क्रीन स्टक हो रही थी तो ओके। जब आपको आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी बात सुने और एक फ्लेक्सिबिलिटी आए बच्चे में, है ना, क्योंकि बच्चे फ्लेक्सिबल उस समय नहीं हो पाते इसलिए जिद कर रहे होते हैं, तो जब आप चाहते हो कि आपके बच्चे में वो फ्लेक्सिबिलिटी आए और अब वो आपकी बात माने, उस टाइम पर भी आप क्रो की एनर्जी का यूज करते हो, राइट? जी देवेंद्र जी, मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? हाँ जी सर, यूट्यूब चैनल पे आएगा, किस नाम से है यूट्यूब नजर? ठीक एस्ट्रो हेमंत। है, एक्सक्यूज मी मैम। राधे राधे मैडम। जी 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 मैम, देवेंद्र सर, अभी जो वेबिनार चल रहा है, जो चीजें अभी मैम आपको बता रही हैं, ये आपको एस्ट्रो हेमंत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा, और जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी। जो 5 डेज की क्लास होने वाली है, कल से ही स्टार्ट होने वाली है। इसका टाइम यही रहेगा 5:30 बजे, जो अभी का टाइम है, और 1 से 1.25 घंटे की ही क्लास होगी। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1:1:1, पे करके आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसका आपको एक ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और कुछ चीज़ें जो मैम आपको पीडीएफ दिखा रही हैं और जो है वो आपको ऐप में वो पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी। और मैम इसमें आप लगभग कितने एनिमल्स के बारे में बताने वाले हैं? मैम मोर देन 60 एनिमल्स के बारे में हम जानने वाले हैं। More than 60 एनिमल्स की एनर्जी को आप अपनी लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट समस्याओं के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो मैम आपको सिखाने वाली हैं इस क्लास के अंदर। और आप उन समस्याओं में उसको यूज करके पॉजिटिवली अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जी ओके, सो अभी मैंने पूछा था कि किसने कौवे की चोंच खाई है, वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि
ऐसा बहुत बार होता है कि कौवा अचानक से आकर आपको चोंच मारता है। वो एक सिंबल है, वो एक तरीका है कुदरत का बताने का कि इस वक्त आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। जब भी कभी ऐसा किसी के साथ हो तो जल्द से जल्द उस नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करें, राइट? सो नेक्स्ट एनिमल जिसके बारे में हम जानेंगे वो है डक। जी किशोर जी, किशोरी जी, राधे 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 सर। राधे, जैसे एंट का बारे में आप बोले, उसका रिमेडीज के लिए हम एंट मैजिक बिगिंस नाउ उसको बोल के लाइक चैंट करेंगे, ठीक है? तो क्रो के लिए भी मैंने कहीं पढ़ा था और सुना था कि अगर क्रो को हम फीड करते हैं तो पितृपुरुष का जो दोष रहता है वो भी हमारा मतलब कम हो जाता है बिल्कुल, या हो जाता है। तो फिर अगर जो भी इंटेलिजेंस के लिए, अगर किसके लिए भी हमको जरूरत होगा तो किस मंत्र में हम मतलब उनको चैंट करेंगे, जैसे एंड कार बोले कि एंड मैजिक बिगिंस नाउ, उस क्रो का मतलब क्या एग्जांपल है? अच्छा आप स्विच कोड पूछ रहे हैं, राइट? हाँ जी, ओके, यस क्रो के लिए लिखिए कि जी, क्रो प्लीज गाइड मी, लिफ्ट मी अप। क्रो प्लीज गाइड मी, लिफ्ट मी अप, राइट? जी अश्वनी जी, मैडम सेम ही क्वेश्चन था। थैंक यू। ओके नेक्स्ट इज डक। जब भी आपको ओवर थिंकिंग का इशू लगे, आजकल बहुत परेशान रहते हैं लोग और ओवर थिंक करते हैं जो डिप्रेशन तक पहुंच जाता है ना, उस केस में हम डक की एनर्जी को इन्वोक करते हैं। जब आप अपनी बात किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में किसी को खो चुके हैं और उस ट्रॉमा से, उस गम से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो उस केस में भी डक की एनर्जी का यूज किया जाता है, राइट? आप अपने आप को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए भी डक की एनर्जी का यूज कर सकते हो। ऐसे लोग जो जिंदगी में ना जबरदस्ती इंटरफेयर करते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? अगर किसी की शादी हो गई है और उनका बेबी नहीं हो रहा है तो रिलेटिव्स आके, फ्रेंड्स आके पूछते हैं बेबी कब कर रहे हो, बोलते हैं ना बहुत लोग। किसी की शादी नहीं हो रही है, बार बार आके लोग पूछते हैं कब कर रहे हो शादी, करोगे कि नहीं करोगे, है ना? बच्चे की 12th हो गई है तो लोग पेरेंट्स को आके पूछते हैं अब बच्चे को किस में एडमिशन दिलवाओगे, है ना? बच्चे का इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में लेकिन रिलेटिव्स आकर बोल रहे हैं नहीं, इसको इंजीनियरिंग में कराओ, ये कराओ, वो कराओ, है ना? तो जबरदस्ती लोग इंटरफेयर करते हैं ना जब आपके लाइफ में, तो ऐसे लोगों को दूर करने के लिए भी डक की एनर्जी का यूज किया जाता है। ठीक है, डक को इन्वोक करने के लिए आप कहेंगे डक मैजिक बिगिन नाउ। वेट लॉस किसको करना है? जी भारती जी, मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जो आप ये बता रहे हो, वर्ड्स बता रहे हो, अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो क्या वो वर्क नहीं करेगा? अगर हमारी इंटेंशंस ठीक है, हम अपने लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा? इंटेंशन मैटर करता है। ये जो लाइन मैंने बताई है ना, इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हो, अगर आपको जी पंजाबी आती है आप पंजाबी में भी बोल सकते हो। देखो यूनिवर्स को ना आपके वर्ड से कोई मतलब नहीं है, आपके इंटेंशन से मतलब है।
तो हम एक ही स्टैंडर्ड मंत्र रख सकते हैं फॉर ऑल द एनिमल्स, जस्ट रिप्लेस द यस मनी, यस 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 उसको भी 100% वर्क। यस जी मैम, थैंक्स। जी बिल्कुल जी। वेट लॉस किस किस को करना है? बस 3 लोगों को करना है, बाकी सब फिट है। मैम मेरे को तो जरूर करना है। जी मैम, बस मैम 4 लोग हैं, 3 लोग हैं और तीनों फीमेल्स हैं। मतलब मुझे लगता है ना, मेल्स ने शायद ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है फीमेल्स को कि वेट लूज करो, है ना। चलिए बताते हैं जी वेट लॉस के लिए भी आपको, ठीक है, हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है जी, हिराली हिराल जी, हीरल, हाँ हिरल, ओके ठीक है। वेट लॉस चाहिए, बहुत कम लोग यस, है, मैं सोच रही हूँ रहने देती हूँ, बाकियों को नहीं नहीं चाहिए। आप लोगों को कॉल करके बता देंगे अलग से, इनको तो चाहिए नहीं, ये सब फिट वेट है। लॉस अगर हो जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो वेट की वजह से ही होते हैं, है ना। जी, पूर्णिमा दास जी, मुझे भी करना ओके जी, करवा देते हैं जी। है मैम। जी थैंक चल यू। वेलकम। मैम आप म्यूट हो गए हैं। जी, वेट लॉस के लिए जो एनिमल आप इन्वोक करेंगे वो है पेंगुइन। पेंगुइन तो सबको पता है ना, क्यूट सा मोटू सा एनिमल होता है बर्फ में, तो उनको हम इन्वोक करते हैं वेट लॉस के लिए। ठीक, आप चैंट कर सकते हैं, आप पानी में चैंट करके वो पानी पी सकते हैं। एनर्जी सर्कल्स बनाएंगे हम क्लास में, वो सीखेंगे कि कैसे बनता है, उसमें बहुत ज्यादा बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। और आप अपना फोन के वॉलपेपर पे भी पेंगुइन रख सकते हो, ठीक है, अपने रूम में भी पेंगुइन की फोटो लगा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप पेंगुइन को यूज कर सकते हो, एक्सक्यूज ठीक मी है। मैम, जी जी सर मैं एक बार दोबारा कोर्स की डिटेल शेयर कर देता हूँ। जी, मैम स्क्रीन विजिबल होगी? तो जी सर ये 5 दिन की क्लास रहने वाली है जो कल से शुरू हो रही है। टाइमिंग इसका 5:30 का, यानी कि 5:30 कल शाम का रहेगा। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज वैल्यू रखी गई है वो 1:1:1, यानी कि 1211 रुपये रखी गई है। इसमें रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, साथ में आपको ऐप भी एक दी जाएगी जिसमें आप रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। जस्ट ए मिनट मैम। जी। मैम स्क्रीन विजिबल है? तो यस सर, आप लोग हमारे अकाउंट में ये डिपॉजिट करवा सकते हैं पेमेंट का। हमारा जो मोबाइल नंबर है 8527127419 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट आप क्यूआर स्कैन या पेटीएम, गूगल पे या फोन पे के थ्रू भी कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम, प्लीज़ कंटिन्यू। जी सर। स्वैन जैसे कि मैंने अभी बताया, हंस, और इतना तो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत इंटेलिजेंट और ज्ञानी होता है ना। जी अमरजीत जी, पेंगुइन के लिए बोलना क्या है वेट लॉस, क्या अफर्मेशन देनी है उनको? ओके पेंगुइन मैजिक बिगिन नाउ मैम, ये सबके एक ही? हाँ जी हाँ जी, पेंगुइन सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, और भी इसमें बहुत कुछ है पेंगुइन में ही जो हम क्लास में पढ़ेंगे, राइट। तो आप इसमें ना बहुत लंबी डिटेल है हर एनिमल की, उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एनिमल के कुछ अपने ट्रेट्स होते हैं, है ना। जैसे एंट का मैंने बताया, एंट का जो नेचर है ना, हमें उस नेचर की हेल्प लेनी है अपने
लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंट कितनी डिसिप्लिन होती है ना, तो जब हमारी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी होगी तो हम एंट की हेल्प लेंगे। इसी तरीके से अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग क्वालिटीज हैं जिनको हम इन्वोक करेंगे अपनी लाइफ में, राइट? जी माला जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे ये, मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है। मैम मुझे ये पूछना था कि आपने ये जो वेट लॉस का बताया है, पेंगुइन मेरे को समझ में आ गया, फिर उनका मतलब क्या करें, उसका वॉलपेपर लगा दें या मतलब कैसे वेट लॉस कैसे होगा? सबसे पहले आपको इस मैजिक में बिलीव करना पड़ेगा, जी ठीक है? बिल्कुल अपनी इंटेंशंस प्योर करके आप पेंगुइन को वॉलपेपर लगा सकते हैं, अपने रूम में फोटो भी लगा सकते हैं, अपने जो पानी आप पियेंगे उसमें आप चैंट कर सकते हैं, ठीक है? अब क्लास में हम सीखेंगे कि एनर्जी सर्कल्स कैसे बनाते हैं, अगर वो यूज करके आप पेंगुइन का यूज करते हैं तो बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, ठीक है? चल, तो मैं आपको बता रही थी स्वैन के बारे में, राइट? स्वैन हंस के बारे में हमने वैसे भी आपको बताया शुरुआत में कि माँ सरस्वती का वाहन है। वास्तु के अकॉर्डिंगली जिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में थोड़ा सा इम्बैलेंस है उनको ये वास्तु रेमेडी भी दी जाती है कि क्रिस्टल के स्वैन अपने बेडरूम में रखें या घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, राइट? तो जहां पर भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई डिफरेंसेस है, मतभेद है, वहां पे आप स्वैन यूज कर सकते हो। इसका एक और कारण भी है, स्वैन ही क्यों? क्योंकि स्वैन ही एकमात्र ऐसा जीव है जो पूरे लाइफ टाइम अपना पार्टनर चेंज नहीं करता, राइट? इसलिए रिलेशनशिप्स में जब भी कभी कोई दिक्कत आएगी तो हम स्वैन को यूज करेंगे। जी भारती जी। मैम तो पेंगुइन का क्या ट्रेट्स है, हाउ इज दैट रिलेटेड टू वेट लॉस? ओके, पेंगुइन्स आपको पता है कितना हार्डवर्क करते हैं? सुना कभी? हमने तो वो डिस्कवरी चैनल में और ये सब चैनल्स में बस देखा है कि क्यूट क्यूट से है ना स्नो में घूमते रहते हैं। नो मैम, हाँ जी भारती नहीं जी, नहीं पता, ठीक है। देखिए जो पेंगुइन्स है ना वो अपने बच्चों को एक जगह छोड़कर वहां से कई किलोमीटर दूर जाते हैं, वहां से जाकर अब बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं, ठीक है? वो बहुत हार्डवर्क करते हैं। जब आप पेंगुइन की एनर्जी को इन्वोक करोगे ना, बाय डिफॉल्ट आप एक्टिव हो जाओगे। वेट लॉस ये नहीं है कि आप बैठे बैठे आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। अगर बैठे बैठे आपका वेट बढ़ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और बैठे बैठे अगर घट रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आपके अंदर एक वो एनर्जी आ जाएगी कि आप वेट लॉस की तरफ अपना सफर शुरू कर देंगे, राइट? चलिए, सो स्वैन के लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि स्वैन मैजिक बिगिन नाउ, और ये भी बोल सकते हो कि स्वैन विजडम बी विद मी, स्वैन विजडम बी विद मी। जी मोहिनी जी, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। जी मैम, पेंगुइन आप कह रहे थे तो वो स्टफ वाला भी रख ले, क्या पेंगुइन स्टफ टॉय रख ले? हाँ वो भी रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। वो तो दो दो है, वेरी गुड, इसीलिए आप फिट हो। आपने हैंड रेज नहीं किया वेट लॉस के लिए, मुझे पता लग गया था मोहिनी जी फिट है। मैंने किया है मैम, मेरे को तो वेट लूज करना ही है, मैं तो हर्बल लाइफ ले रही हूँ। तो मैम वैसे यहाँ ये पेंगुइन ने आपको मोटिवेट किया है? हाँ ये तो मेरे पास है ना, ये और कर लूंगी। बढ़िया, अभी मैं हर्बल लाइफ का वो ले रही हूँ। ओके,
जी अमरजीत जी, मैम, जैसे मैं ना राहु का नंबर है मेरा 4, मैं बिग एनिमल लवर, मैंने 4 डॉग्स पाले थे, उनकी सबकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, एंड तोते लेके आई उनका, उनको रखा उड़ा दिए, चिड़िया लेके आई लव बर्ड्स उनको उड़ा दिया, अभी मेरे मेरे पास अपने आप एक उल्लू आया था, उल्लू का बच्चा, तो मेरे गार्ड जो घर के गार्ड्स हैं उन्होंने पकड़ के मेरे को दे दिया, मैंने अपने कमरे में रखा उसको, फिर एक हफ्ते के बाद वो चला गया अपने आप, एंड फिर एक बाज का बच्चा आया, उसको मैंने देखा, मैंने कहा नहीं इसको उड़ा दूं, मैंने उसको भी उड़ा दिया, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बंदर बहुत आते हैं मेरे घर, और अभी भी देखो मेरे बेड पर कितना बड़ा ये टेडी पड़ा बेयर। हुआ, हाँ टेडी बेयर, मैं इसकी तरह लेजी हूँ, बहुत ज्यादा बहुत लेजी हूँ, तो इसका क्या चक्कर है कि मेरे रिले बर्ड से इनका रिलेशन है कि क्या है, क्योंकि मेरे मैम डॉग देखिए, अभी तक आते हैं मुझे सपनों में। मैम हमारा ऑरा जो है ना, हमारा ऑरा वो एनिमल्स समझते हैं। दो कारण होते हैं जब एनिमल्स आपके साथ ज्यादा आपके पास आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एक आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है और एनिमल जो है वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है आपके पास आकर, एक रीजन ये है। दूसरा, जब आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स को भगवान ने भगाना हो ना, तो एनिमल्स को आपके पास किसी ना किसी तरीके से जोड़ देता है ताकि आप पे आने वाली प्रॉब्लम जो है वो एनिमल ले ले, ठीक है। वो कहते हैं ना, जिनका केतु बड़ा अच्छा होता है तो डॉग्स उनके पास बड़े आराम से आ जाते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, है ना। तो वो हो गया कि आपका ऑरा वैसा है कि डॉग्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन है जी। किशोरी जी, हाँ मैम, जैसे आपने बोला कि स्वयं का मतलब अच्छा रिलेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं, जो उसका कोड है उसको हम चाहे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका पोस्टर भी हम लाइक फोटो उनका भी लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल मतलब लगा सकते हो, तो उसका बिल्कुल कोई लगा सकते डायरेक्शन है या ऐसे मतलब कोई डायरेक्शन? हो। या इसको आप साउथ वेस्ट में लगाएंगे या साउथ ईस्ट में? ओके, तो मैम हम उनको नंबर देख कर लगा सकते हैं या ऐसे कोई भी नंबर लगा सकते हैं, लाइक जैसे किसी का 8 है या 3 है या कोई भी है, नहीं, लाइक कोई ऐसे कुछ मैटर करते हैं नंबर्स क्या? नंबर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब भी आप लगाएंगे तो आप दो स्वैन एक साथ लगाएंगे, ठीक साउथ ईस्ट है। क्योंकि डायरेक्शन है ना? हाँ, स्वैन हमेशा ना कपल्स में ही आता है, क्योंकि स्वैन हमेशा कपल्स बन के ही रहते हैं। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरा भी कुछ दिन बाद अपने प्राण त्याग कर देते, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक जी ममता जी, यू। नमस्कार मैम। नमस्कार। एक्चुअली मैम, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी अभी मैम, आपने जब बताया कि जो एनिमल्स हेल्प के लिए हमारे पास किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं, तो आज मैं कनेक्ट कर बिल्कुल पा रही हूँ कि मेरे ब्रदर हैं, उनको 3-4 टाइम्स जो है कभी कौवे ने बचाया ऑलवेज ड्राइविंग करते हुए, कभी स्नेक ने बचाया, कभी ऐसे मतलब 3-4 टाइम्स कुछ ना कुछ डॉगी ने बचाया। तो ये रियली बड़ा कनेक्ट कर रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। बड़ा स्पिरिचुअल है वो, तो जी, हम उसको हाँ कहते थे कि मैं भी तेरी हेल्प को ही आए होंगे वो, तो आज वो बिल्कुल सिद्ध बिल्कुल हो गए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है, जब हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है तो हमारे तक पहली बात तो कोई नेगेटिविटी पहुंचती नहीं है, लेकिन अगर कहीं से आ भी रही है ना, तो उसको बचाने का इंतजाम ईश्वर पहले से करके रखता है, अब वो एनिमल के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, ठीक है जी। ओपो जी, ओप्पो जी, अनम्यूट करिए आप। सॉरी, हेलो। ओप्पो जी पहले अपना नाम बताएं। प्रिया, हाँ, प्रिया। ओके, कैमरा ऑन कर ले मैम।
मैम एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ तो नहीं कर ओके सकती ओके जी किसी के यहाँ आई। मैम बताए मैम। एक ही क्वेश्चन था, अगर कोई बोलते हैं कि केतु के लिए या राहु के लिए डॉग को फीड करने के लिए, तो वो डॉग फीड करते हैं तो वो राहु या केतु को स्ट्रॉन्ग करते हैं या बैलेंस करते हैं? मैम 1 मिनट, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज फिर से बोले। तब ये जो न्यूमरोलॉजी में रहती है रेमेडी डॉग की फीड कराने की, हेलो आवाज आ रही है अभी मैम? तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम बोले। डॉग को फीड कराते हैं तो डॉग का राहु या केतु को स्ट्रॉन्ग करते हैं या बैलेंस होता है फीड करने? ये डिपेंड करता है मैम कि आपके चार्ट में राहु आपको बैलेंस करना है या स्ट्रॉन्ग करना है, वो चार्ट देखकर पता चलता जैसे 4 4 एंड 8 BNDN है तो है। हाँ जी 4 एंड 8 BNDN होगा ड्राइवर का, फोर जी ड्राइवर होगा और कंडक्टर जी एट है तो जी मैम यहाँ पर देखिए 4 और 8 का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब ये एक्सट्रीमिटीज के नंबर है मैम, ये न्यूमरोलॉजी का टॉपिक चला जाएगा राइट। हाँ। हमारी क्लास एनिमल टोटम की चल रही है, बट मैं इन शॉर्ट आपको ये बता दूं कि ये दोनों ना एक्सट्रीमिटीज के नंबर है, अगर कुछ अच्छा होगा तो भी एक्सट्रीम लेवल पे होगा, अगर कुछ खराब होगा तो भी एक्सट्रीम लेवल पे होता है, तो वो हमें देखना हाँ पड़ता है कि इंसान के लाइफ का पैटर्न क्या चल रहा है राइट। ओके नहीं जी ये यही जानना चाहती थी कि अगर 4 BN है तो उसके लिए फीड कराते हैं तो उसका वो बैलेंस देखिए होगा। मैम, मैम देखिए एनिमल टोटम जो है ना, यहाँ पर ना हम कुंडली के अकॉर्डिंगली कुछ कोई रेमेडी करेंगे, ना ही हम न्यूमरोलॉजिकली कुछ करेंगे, यहाँ पे सिंपल है कि आपको आपकी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको दूर करने के लिए आप कौन से एनिमल की एनर्जी को इन्वोक करके अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। ओके ठीक है मैम। जी भारती जी मैम आपने डॉग की बात करी और मैम ने भी अभी डॉग की बात करी, तो मैम डॉग ने मेरे हस्बैंड को पहले काटा हुआ है एंड ही ऑल्सो गेट स्केयर्ड ऑफ हिम, और मेरे को डॉग से प्यार है, तो अभी घर पे रख सकते हैं कि नहीं, क्या करें? बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, तो हस्बैंड के साथ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि उनको काटा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा मैम मेरे घर पे ना कबूतर बहुत आते हैं और नेस्ट बनाते हैं और साथ में सांप भी बहुत आते हैं, तो इसका क्या रिलेशन है? मैम इसका एनिमल टोटम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ओके वो एक अलग साइड चले गए हम, ये एनिमल्स आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वही जैसे अभी एक मैम आए थे ना, जी आई फॉरगॉट हर नेम, तो उन्होंने भी यही बात बताई कि एनिमल्स कनेक्ट होते हैं, जैसे अमरजीत जी ने भी कहा कि इनके साथ भी एनिमल्स कनेक्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखो हम ना अभी ऑकल्ट के फील्ड से जुड़े लोग हैं, इसीलिए इस क्लास इस वेबिनार में बैठे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हम सबका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। बहुत लिमिटेड लोग हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत दुनिया में बाकी सब लोग हैं जो अपने अपने घर में आराम से बैठ के कोई फोन चला रहा है, रील्स देख रहा है, टीवी पे बिजी है, गप्पे मारने में बिजी है, घूमने में बिजी है, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं क्यों? क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं और हम ऑकल्ट से जुड़ना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो हमारा ऑरा पॉजिटिव है और हमारे साथ एनिमल्स जुड़ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन ही है राइट। जी थैंक यू। जी हिरुल जी मुझे मैं वैसे बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ और सब लोग मेरी एक इमेज है कि ये हमेशा हंसती रहती है, बट मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। मैम इसीलिए आप ऑकल्ट की क्लास में हैं, मैं जब बाय भगवान प्रोफेसर किसी को जी बचपन से, मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। इंट्यूशन आते हैं मुझे, कोई विधि विधि कुछ भी नहीं आता है, कोई नॉलेज नहीं है ग्रहों का पूरा, और आज दिन तक मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, बट अभी पिछले 6 महीने से मैं यही जैसे ये जैसे क्लासेस है उस सब क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। मेरे घर पे सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तू पागल हो जाएगी,
क्योंकि रात को 9 से 10:30 में बस मुझे पढ़ना पसंद है, जितना भी नॉलेज आए वो मैं लेना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा ही है, मेरे पास जो भी कस्टमर आते हैं उसका प्रॉब्लम कहीं मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, बट मेरे से जो नॉलेज मिला उससे मैं उसका सॉल्व कर दूँ। पैसा कमाना वो मेरा है नहीं, मैं तो सेवा करती हूँ, मैं सेवा देती हूँ, ऐसा है, बोल देती हूँ कि गाय को खा चारा खिला देना, इस तरह का ऐसा। बट अब मेरी कंपनी खुद की चलाती हूँ, अमीधा केयर करके, हेयर स्किन एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स का। अब इंट्यूशन से मैंने खुद बनाया, खुद मैंने एम्पायर खड़ा किया, अभी 5 साल हो गए। बट मेरे 17,000 फोन बुक है, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। जिसको भी मैम फ्रेंड बनाती हूँ वो पीठ पीछे छुरा हो जाता है, कुछ भी शेयर, मेरा कुछ भी शेयर करूँ वो कभी होगा ही नहीं वो सब। फिर अब तो किसी को हम कुछ बताते भी नहीं है, जैसे जैसे वैसे ऐसे क्लासेस करे तो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, बट फ्रेंड्स तो लाइफ में चाहिए ना, वो नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ऑकल्ट में आकर आपको एक कंटेंटमेंट फील हुआ, अंदर से खुशी मिली, फैमिली जो मर्जी बोले मिलती बहुत खुशी मिली। है ना। हाँ, तो वही बात है कि जब आप इस फील्ड की तरफ आते हो ना, सबसे पहले तो आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट कहेगी। अगर आपको कोई पागल बोलता ना, उसको प्यार से एक्सेप्ट कर लीजिए, बोलिए हाँ जी ये पागलों का ही सब्जेक्ट है, नॉर्मल इंसान इसको पढ़ ही नहीं सकता, बहुत डीप स्टडी है ये, तो है ना। तो इतना डीप जाने के लिए पागलपन तो चाहिए। डीप रिसर्चर्स कौन होते हैं, साइंटिस्ट कौन होते हैं, पागल ही तो होते हैं, है ना। उंधी खोपड़ी का तो लोगों को बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब वी आर डिफरेंट, वी आर ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, तो इसलिए डिसहार्टन मत होइए, राइट। चलिए, सो कमल सर यस मैम, जी, सर आज के लिए वाइंड अप करें बिल्कुल मैम। तो ऑलमोस्ट जी। काफी लोगों के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मैं आप सभी को दोबारा बताना चाहूँगा कि कल से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। आप सभी ने पोस्टर डाउनलोड कर लिया होगा या नंबर वगैरह नोट कर लिया होगा। आपकी स्क्रीन पे दोबारा दिखाई दे रहा है, कल से ये क्लास स्टार्ट हो रही है 5:30 बजे, 5:30 PM से। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज वैल्यू रखी गई है 1:1:1 रखी गई है। आप हमसे 8209677979 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो क्लास रहेगी वो 5 दिन की रहेगी जी। थैंक यू। जी, तो थैंक मैम यू सो आज के लिए मच वाइंड अप करें। जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं थैंक यू आपका सो मच थैंक यू जी, मैम, आपका और राधे सभी राधे थैंक मैम, यू मैम, राधे 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 मैम, राधे, थैंक थैंक यू सो यू मच, सो मच, राधे राधे, राधे सो राधे वेलकम, मैम, थैंक यू, राधे राधे, राधे राधे सभी थैंक को। कल मिलते हैं यू, क्लास में, ठीक है, राधे राधे, बाय। राधे राधे।